Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कैनेडियन वजीर दिफा हरजीत सजन का कहना है कि इराकी पार्लियामेंट में करारदाद पेश किए जाने के बाद सूरत हाल बहुत पेचीदा है, हमें इस अमल का एहतराम करना होगा। टोरंटो क्राइम स्टॉपर की जानिब से गिरफ्तारियों में मदद पर इनाम नहीं दिया जाएगा, रकम से जराइम से मुतासर कम्युनिटीज के लिए सरमायाकारी होगी। कैनेडियन सूबे क्यूबेक की सबसे बड़ी यूनियन का हुकूमत से तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा, मरकजी यूनियन 2 लाख के करीब मुलाजमीन की नुमाइंदगी करती है। बीईआई का कहना है कि मॉन्ट्रियल में चंद रोज कबल एक शख्स पुलिस ऑपरेशन के दौरान हलाक हुआ था। मॉन्ट्रियल की इमिग्रेशन कानून के खिलाफ वर्जी करने वाला शख्स अदालत में पेश, बॉर्डर सर्विस एजेंसी का कहना है कि मस्कूरा शख्स इमिग्रेशन दरख्वास्तों से मुतालिक हकायक को गलत अंदाज में पेश करता था। खत असली है मगर गलती से भेज दिया गया, इराक से फौज निकालने का खत सामने आने के बाद अमरीकी वजीर दिफा ने तरदीद कर दी। अमरीकी फौज दहशतगर्द तंजीम करार, ईरानी पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया, अमरीका ने ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ को वीजा जारी करने से इनकार कर दिया है। हेडलाइंस आप ले जानी खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. Pandit Vijay Ram, a famous astrologer and psychic healer, palm reading, face reading, horoscope. Pandit Vijay Ram ka kehna hai, inke paas aapki tamam samasyaon ka hal hai. Kale jadoo ka tod, aapka mehboob aapke kadmon mein, aapki marriage, job, karobar, bimari aur court kachehri samet tamam samasyaon ka hal. Tamam dharmon ke behan bhaiyon ki mushkilat dur kar sakte hain. All religions welcome. पंडित विजय राम से राबता कीजिए 6473912133 6473912133 एड्रेस 5330 यंग स्ट्रीट नॉर्थ यॉर्क टोरंटो। कुछ बात करेंगे कनाडा के वजीर दिफा हरजीत सजन इस बात का इसरार कर रहे हैं कि मशरिक वस्ता में फौजी मिशन कई घंटों तक उलझन में रहेगा। उनकी जानिब से यह बयान एक खत के लीक होने के बाद सामने आया। जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर दिफा हरजीत सजन इस बात का इसरार कर रहे हैं कि मशरिक वस्ता में फौजी मिशन कई घंटों तक उलझन में रहेगा। उनकी जानिब से बयान एक खत के लीक होने के बाद सामने आया, जिसमें वॉशिंगटन ने अपने फौजियों को इराक से निकालने के लिए तैयार रहने का कहा गया है। हरजीत सजन ने मुकामी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इराक से अमरीकी फौज के इनखला की खबरों को मुस्तरद किया। उनका कहना था कि इराकी पार्लियामेंट में इनखला की करारदाद पेश किए जाने पर अमरीकी वजीर दिफा से गुफ्तगू की थी, तहम उन्हें इस हवाले से कोई इशारे मौसूल नहीं हुए। उनका कहना था कि इराकी पार्लियामेंट में करारदाद पेश किए जाने के बाद सूरत हाल बहुत पेचीदा है, हमें इस अमल का एहतराम करना होगा, हमें इस हवाले से देखना होगा कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है। वाज़ेह रहे कि ईरान अमरीका ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ जाने के बाद नेटो ने इराक में कैनेडियन फौज की जानिब से जारी तरबियती प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया था। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं टोरंटो क्राइम स्टॉपर्स की जानिब से कहा गया है कि अब उनके इदारे की जानिब से मुकामी सतह पर होने वाले जराइम के वाकयात में गिरफ्तारी में मिलने वाली तजावीज की माली मुआवनत नहीं करेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
टोरंटो क्राइम स्टॉपर्स की जानिब से कहा गया है कि अब उनके इदारे की जानिब से मुकामी सतह पर होने वाले जराइम के वाकयात में गिरफ्तारी में मिलने वाली तजावीज़ की माली मुआवनत नहीं करेगा। इदारे की जानिब से कहा गया है कि अब इस रकम से टोरंटो में जराइम से मुतासर कम्यूनिटीज़ के लिए सरमायाकारी की जाएगी। मस्कूरा प्रोग्राम को 1984 में शुरू किया गया था और उसमें अब तक 1,66,000 टिप्स दी जा चुकी हैं, जिनमें 85 के करीब टिप्स ने गुज़िश्ता साल गिरफ्तारियों में पुलिस की मदद की। हुकाम की जानिब से कहा गया है कि ये प्रोग्राम शहरियों को ज़्यादा महफूज रखने के लिए जोर देता है। टोरंटो क्राइम स्टॉपर की जानिब से एक वीडियो भी जारी की गई है, जिसमें पुलिस अहलकारों को एक स्कूल में खाने समेत खिलौने और दीगर तफरीही सामान लाते हुए देखा जा सकता है। कैनेडियन सूबे क्यूबेक की सबसे बड़ी यूनियन सूबाई हुकूमत को मुतनब्बे कर रही है, जब तक वो तालीम और सेहत की देखभाल करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं करते, तब तक इस साल सख्त मुजाकरात हो सकते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे क्यूबेक की सबसे बड़ी यूनियन सूबाई हुकूमत को मुतनब्बे कर रही है कि जब तक वो तालीम और सेहत की देखभाल करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं करते, तब तक इस साल सख्त मुजाकरात हो सकते हैं। क्यूबेक की मरकजी यूनियन, जो कि 2,00,000 के करीब मुलाजमीन की नुमाइंदगी करती है, की जानिब से गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बजट में कई सालों की पाबंदियों के बाद तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। यूनियन की जानिब से कहा गया है कि सूबे में असाज़ा की तनख्वाह मुल्क के दीगर हिस्सों की निस्बत कम है, उसे बढ़ाया जाए। क्यूबेक में मुलाजमीन की कमी तालीमी निज़ाम के लिए खतरा है। तनख्वाहों में कमी की वजह से असाज़ा दीगर शोबे अख्तियार कर रहे हैं। यूनियन के नायब सदर की जानिब से कहा गया है कि अभी मुज़ाकरात का आगाज कर रहे हैं, लेकिन किसी किस्म का दबाव डालने का इरादा नहीं रखते। तहम आने वाले हफ्तों में हुकूमत पर दबाव डालने के लिए हर जुम्मे को 8 हफ्तों तक डे केयर्स को 15 मिनट ताखिर से खोला जाएगा। मॉन्ट्रियल से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, मॉन्ट्रियल में पुलिस की निगरानी करने वाली एजेंसी की जानिब से ये बात सामने आई है कि चंद रोज कबल एक शख्स पुलिस ऑपरेशन के दौरान हलाक हुआ था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में पुलिस की निगरानी करने वाली एजेंसी की जानिब से ये बात सामने आई है कि चंद रोज कबल एक शख्स पुलिस ऑपरेशन के दौरान हलाक हुआ था। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जानिब से जारी इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उन्हें मुकामी होटल से एक आदमी जो परेशान कुन हालत में था, इसके हवाले से कॉल मौसूल हुई थी। पुलिस इस आदमी को कंट्रोल करने के लिए मौके पर पहुंची, ताहम वो आदमी मुतमईन नहीं था, जबकि वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर चुका था। ताहम इस बात को वाजे नहीं किया गया कि इस शख्स ने किस किस्म की तकलीफ का सामना किया था। BIE की जानिब से वाकई की ऐनी शाहिदीन को उनकी वेबसाइट राबता करने का कहा गया है। BIE क्यूबेक में पुलिस ऑपरेशन में हलाकतों पर तहकीकात करती है, ताहम साल 2016 से उसकी किसी भी तहकीकात में पुलिस पर कोई मुजुर्माना चार्जेस नहीं लगाए गए। कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी का कहना है कि एक शख्स पर बगैर किसी इख्तियार के इमिग्रेशन कंसल्टेंट की हैसियत से काम करने का इल्जाम आयद किया गया है, जो नए आने वाले मुहाजरीन को कनाडा में रहने की दरख्वास्तों से मुतालिक हकायक को गलत अंदाज में पेश करता था। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी का कहना है कि एक शख्स पर बगैर किसी इख्तियार के इमिग्रेशन कंसल्टेंट की हैसियत से काम करने का इल्जाम आयद किया गया है, जो नए आने वाले मुहाजरीन को कनाडा में रहने की दरख्वास्तों से मुतालिक हकायक को गलत अंदाज में पेश करता था। फ्रांसवा टीसडेल को मॉन्ट्रियल की अदालत में पेश किया गया, जिस पर इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया है। CBSA के मुताबिक ट्रेसडेल पर इल्जाम है कि उन्होंने अगस्त 2015 से नवंबर 2017 के दरमियान बगैर किसी मिजाज के मुआवजे के लिए इमिग्रेशन मशवरे मुहैया किए थे। उन पर यह भी इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड और रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन के हवाले से गलत मालूमात फराहम की। CBSA की जानिब से तहकीकात की तफसीलात फराहम नहीं की गई, ताहम ये कहा गया है कि ऐसा मालूम होता है कि मुतादिद पनागुजीन दावेदारों ने तेजदेल के मशवरे पर अमल किया होगा। कुछ बात कर लेते हैं। अमेरिका की जानिब से इराक से फौज निकालने का खत सामने आने के बाद अमेरिकी वजीर दिफा ने तरदीद कर दी। ज्वाइंट चीफ ऑफ चेयरमैन मार्क मिली ने कहा कि खत असली है, मगर गलती से भेज दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की जानिब से इराक से फौज निकालने का खत सामने आने के बाद अमेरिकी वजीर दिफा ने तरदीद कर दी। ज्वाइंट चीफ चेयरमैन मार्क मिली ने कहा कि खत असली है, मगर गलती से भेज दिया गया। इराक में अमेरिकी टास्क फोर्स के सरबरा ब्रिगेडियर जनरल विलियम सेली ने इराकी ज्वाइंट कमांड ऑपरेशन के सरबरा को खत लिखकर कहा था कि अमरीका इराक से निकालने को तैयार है। अमरीकी और इराकी हुकाम ने खत की तस्दीक भी की थी। बाद अजा अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने इराक से निकलने की तरदीद करते हुए कहा कि इराक से निकलने का कोई फैसला नहीं हुआ, खत को उस वक्त भेजने का नहीं था। सेंट्रल कमांड के सरबरा जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने गलती की। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराकी हुकाम को धमकी देते हुए कहा था कि अगर इराक चाहता है कि हम इराक से निकल जाएं तो हमें अखराजात अदा करे। उधर ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरानी कौम को धमकियां ना दे, 52 का हवाला देने वाले 290 याद रखें। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टॉल्टनबर्ग ने कहा कि खत्ते से मुतालिक ईरानी इकदामात पर तमाम इत्तेहादियों को तहफ्फुज़ात हैं। यूरोपीय यूनियन की सरबरा ने कहा कि बगदाद और तेहरान सिफारती चैनल इस्तेमाल करें।
ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की पार्लियामेंट ने एक ऐसा बिल मंजूर कर लिया है जिसमें अमरीकी फौज को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट ने अमरीकी फौज को दहशतगर्द तंजीम करार देने का बिल मंजूर कर लिया। तफसीलात के मुताबिक ईरानी मीडिया ने खबर दी है कि ईरान की पार्लियामेंट ने एक ऐसा बिल मंजूर कर लिया है जिसमें अमरीकी फौज को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। यह इकदाम इस अमरीकी बयान के बाद सामने आया जिसमें कहा गया था अगर किसी भी मुल्क ने ईरानी तेल खरीदना जारी रखा तो उसके खिलाफ पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी। याद रहे कि ईरानी पार्लियामेंट में गुज़िश्ता हफ्ते पेश करदा बिल में कहा गया था कि मशरिक़ वुस्ता में मौजूद तमाम अमरीकी फौज दहशतगर्द है। आज पूरी अमरीकी फौज को दहशतगर्द करार देने वाले बिल को मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। रवा माह के आगाज में अमरीका की जानिब से भी ईरानी पासदारान इनकलाब की फोर्स को भी दहशतगर्द करार दिया गया था। ईरानी तेल की तजारत को महदूद करने के लिए अमरीकी बयान से चंद घंटे कबल ईरान ने अदनाए हर्मुज को बंद करने की धमकी को दोहराया था। ईरान का कहना था कि अगर उसे खलीज में अहम बहरी रास्ते के इस्तेमाल से रोका गया तो वो अदनाए हर्मुज बंद कर देगा जहाँ से तेल की एक तिहाई तजारत होती है। ख्याल रहे कि अमरीका ने ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ को वीजा जारी करने से इंकार कर दिया है। ईरानी वजीर खारजा ने जुमेरात को सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में शिरकत करनी थी। दूसरी तरफ अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मशरिक़े वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर एक बार फिर तशवीश का इजहार कर दिया है। उन्होंने आलमी रहनुमाओं से सब्र तहमुल का मुजाहरा करने की अपील करते हुए कहा कि तनाव से गैर मुतवक्के फैसले और उनके खतरनाक नतीजे सामने आते हैं। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV.